नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विद आलोक पे। मैं संदीप तिवारी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ एक नई जर्नी के साथ, एक नई यात्रा के साथ। और हमने एक टैगलाइन भी शुरू में दिया है, किया है फिर से करेंगे, और ऊपर लिखा है सुपर टेट 2020। तो आप लोग को यह बात बताने में मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं, ना तो मुझे यह पता है कि आप अवेयर नहीं है, आप सबको जानकारी है जिस चीज को हम लोगों ने प्रारंभ किया और जिसका हमारे संस्थान में तमाम सारे संस्थान से जुड़े छात्रों का या हमारे भाई बहनों का लगातार क्रियाएं आपकी जो है संदेश आते रहे हैं सर, लगातार जुड़ने के लिए आप लोग प्रेरित करते रहे। आप सबके ही प्रयासों से, आप सबके ही उत्साहवर्धन से हमारी इच्छा बनी, हमारी शक्ति बनी कि हम लोग यहाँ पर आपके लिए फिर से उसी प्रकार की बैच की स्टार्टिंग कर सकते थे। संस्थान आलोक सर के कुशल मार्गदर्शन में, रवि सर के नेतृत्व में इस बात के लिए तटस्थ है अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी गुणवत्ता के लिए। आप सबको पता है कि हम किसी भी प्रकार से ऐसी जो है गतिविधियों में, ऐसी जो है ऐसी प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम 100% आपके साथ न्याय करें। हालांकि एक ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ थोड़ी बहुत कमियां हम लोग के साथ भी आती है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 100% करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में जैसे रिजल्ट तो काफी दिन हुआ है लेकिन हमने अभी तक बैच स्टार्ट नहीं की। तमाम सारे लोगों ने स्टार्ट भी किया, चलाया भी, हमको पता है अच्छी तरह से सारी बातें, लेकिन हमें पता है कि जब तक एक रूपरेखा, एक प्रक्रिया ना साथ में बन जाए तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते थे। और अब जब हमको लग रहा है कि सारी चीजें स्पष्ट है, सरकार का रुख स्पष्ट है और वैकेंसी की भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोगों ने इस बैच को प्रमोट किया, लॉन्च किया। और इस लॉन्च करने में सारी जिम्मेदारी आप लोग की है, क्योंकि आप ही के रिस्पॉन्स की वजह से हम लोग की ऊर्जा मिली कि नहीं हम लोग बैच स्टार्ट करें। और जो कल आपका अनाउंसमेंट था उसको आप जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार से लोगों ने जोश खरोश से इस चीज को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा है कि संस्थान ने आपके साथ किया है और हम फिर आपसे वादा करते हम करेंगे। 2018 की वह जर्नी आपको याद होगी जब हम लोगों ने एक जो है क्रांतिकारी जो है पढ़ाई के साथ, एक क्रांतिकारी कार्य के साथ आपके साथ लग करके सुपर टेट की तैयारी आपको 28 से 30 दिनों के अंदर कराया था। अभी तो हमारे पास समय है तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी गुणवत्ता के साथ चीजों को कर सकते हैं, कितना एफिशिएंसी के साथ चीजों को कर सकते हैं। सुपर टेट 2020 अब आपका इंतजार खत्म है और उस इंतजार को खत्म करने के पीछे संस्थान का जो सिस्टम है, संस्थान की जो प्रक्रिया है संस्थान से जुड़ने की, पब्लिकली हम लोग जैसे जैसे आते हैं तो आएंगे, जैसे जिस प्रकार से हमारी संभावनाएं बनती हैं उस प्रकार से मिलते रहेंगे आपसे। संस्थान की तरफ से जो हम लोग एक ऑथेंटिक नंबर बार बार प्रोवाइड करते आए हैं और हर एक बैच के लिए लगभग वो नंबर आपको अलग अलग दिया जाता है और संस्थान की तरफ से सभी ऑथेंटिक टीचर उसको लगातार आपको बताते रहे, तो जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं और जुड़ने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो संस्थान की तरफ से यहाँ पर जो सुपर टेट एंट्री के लिए नंबर आपको दिया जा रहा है वह नंबर मैं आपको रिपीट करके बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी बिना सुविधा के साथ हमारी बैच के साथ हमारे संस्थान के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में जाकर के इस नंबर को स्टोर करिएगा। स्टोर करने के बाद आप इस नंबर पर जाकर के हमें सुपर टेट एंट्री आप सिंपल में शब्द कुछ भी यूज करके अपने हिसाब से सुपर टेट एंट्री करके आप इस नंबर पर मैसेज करिए। नंबर मैं बोलूंगा आप लोग के सामने 9125423936। तो आपको एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा 9125423936। जैसे ही इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन उसके बाद आपको जो है तुरंत सूचना दी जाएगी, हमारे संस्थान के जो काउंसलर्स है वो आपसे संपर्क करेंगे और आपसे एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन प्रक्रिया के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस प्रक्रिया में शामिल हों और शामिल होकर के आप हमारे साथ एक जो हम लोग यहाँ पर सफलता की यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें शामिल हों, उसका एक पार्ट बने। मुझे यह बताने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट अपने ऊपर नहीं है और आपको लेकर के भी नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से आपको निराश करेंगे, यह बात आप मान के चलिए। इस बात की मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, कमिटमेंट करता हूं, इन 20 निर्णायक प्रश्नों में मैं आपको एक सही और एक निर्णायक ऊर्जा प्रदान करूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा अपनी तरफ से। मुझे इस बात को लेकर के पूरा कॉन्फिडेंस अपने अंदर है कि मैं इन 20 प्रश्नों के तहत ही आपको परीक्षा को पास करने में आपकी मदद करूंगा। परीक्षा अब आसान नहीं, आप सबको अच्छी तरह से पता है, इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। हम इन 20 प्रश्नों में बहुत अच्छा करेंगे, मैं इस बात की श्योरिटी आपको अभी भी दे रहा हूं, बार बार दूंगा और संस्थान में जब भी आप जुड़ेंगे हमारी क्लास में तब भी आपको मिलती रहेगी। यह 20 प्रश्न आपको किस प्रकार से सुनिश्चित करने हैं, इसके सिलेबस क्या है, मैं 2 से 4 मिनट डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट को जो आपको थंबनेल में दिया गया उसको मैं आपके साथ आज शेयर भी करूंगा।
तो मैं शुरुआत करता हूं यहां पर आपके उस सिलेबस की जो मैथ्स के पाठ्यक्रम की बात की जा रही है, जहां पर हम लोग यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं पाठ्यक्रम को देख करके। जैसा जैसा इसमें थोड़ा सुपर टेट में दिया है, आपने यूपी टेट परीक्षा पास करी है, मुझे पता है कि हमसे जुड़ने वाले तमाम दो प्रकार के लोग रहेंगे। एक तो रहेंगे जो हमसे डायरेक्ट यूपी टेट में पढ़े हैं, और दूसरे वो रहेंगे जो नहीं पढ़े हैं। जो पढ़े हैं उनके लिए तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि आपने डायरेक्ट हमसे कोऑर्डिनेट किया, हमारे कॉन्सेप्ट को समझा है, और उसी प्रक्रिया में आप लोग अगर फिर से साथ में रहते तो आपकी वह प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। लेकिन जो पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी सिक्योरिटी देना चाहूंगा कि आपको भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या की गुंजाइश नहीं रहने दूंगा, मैं इस बात की सिक्योरिटी दे रहा हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा पाठ्यक्रम पर जो उसकी अनिश्चितताएं हैं, जो उसमें कंफ्यूजन है, मैं उसको डिटेल से डिस्कस करता हूँ। आप भी जब कभी इंटरनेट से या कहीं किसी रिसोर्स से पाठ्यक्रम को ढूंढते हैं, तो पाठ्यक्रम में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि अंदर छुपे पड़े हैं, जिनको देख करके हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है कि इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी चीजें पढ़ना है। जैसे एक पहला टॉपिक जब आपका शुरू होता है, मैं आपको पाठ्यक्रम की बात करने जा रहा हूँ, पाठ्यक्रम में जो सबसे पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, आप देखिए अगर ध्यान से, लिखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, आंकिक क्षमता। आंकिक क्षमता अगर कह दिया तो बहुत कुछ कह दिया। आंकिक क्षमता में हर प्रकार की संख्या है। जैसे अगर इसको ना भी कहता तब भी आंकिक क्षमता दिया होता तो मैं इस चीज को इन्वॉल्व करता। इसमें कुछ टॉपिक और आगे दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आंकिक क्षमता देने के साथ साथ उसने न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एक्शंस दिया है, मतलब गणितीय संक्रियाएं दिया है। अब गणितीय संक्रियाओं का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको केवल आंकिक क्षमता दिया होता तब भी मैं गणितीय संक्रियाओं को डिस्कस करता, तब भी मैं डेसिमल को डिस्कस करता, प्लेस वैल्यू को डिस्कस करता, फ्रैक्शन को डिस्कस करता। अगर ये तीन चार पार्ट हमको जो है अलग अलग से ना भी लिखे होते, केवल गणती हमें जो है आंकिक क्षमता देता, न्यूमेरिकल एबिलिटी देता, तो मैं वहां जाकर के फिर भी आपको सारी चीजें बताता। जैसा भी नंबर्स के साथ रिक्वायरमेंट होती है, जैसा गणित में संख्याओं का प्रयोग जहां जहां होता है, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि गणित का मूल ऑब्जेक्टिव ही संख्या है, और जब संख्या है तो संख्या से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं उन सारी प्रक्रियाओं को मैं डिस्कस करूंगा। मैं संख्या के बारे में आपको डिटेल दूंगा, तो आप सब इन सारे टॉपिक से पूरी तरह से अवेयर हैं। अगर उसने हमको गणितीय आंकिक क्षमता बोला है, आंकिक जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला है, साथ साथ गणितीय संक्रियाएं बोला है, तो सारी प्रकार की संक्रियाएं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, सीक्वेंस, पैटर्न, एवरीथिंग, आप जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है वो सारी चीजें आपको तीन से चार टॉपिक के अंतर्गत आपको सिखाई जाएगी। इस बात के लिए पूरी तरह से और रहिएगा, तीन से चार प्रश्न आपके इस टॉपिक से कवर होंगे, 20 में से तीन से चार कवर होने का मतलब एक चौथाई हिस्सा आंकिक क्षमता से कवर हो जाएगा। आगे देखते जाएंगे हम लोग यहाँ पर। थोड़ा सा मैंने दिखाया एक परसेंटेज, जैसे कि बहुत सारी चीजें इसमें छोड़ी गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को आपको दिया गया, जैसे केवल प्रतिशत लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रतिशत प्रतिशत के साथ साथ उसका अनुप्रयोग यह होना अनिवार्य है, श्योर है। उसी तरह से ब्याज लिखा गया है, ना तो साधारण लिखा है ना चक्रवृद्धि लिखा है, तो हम किसको मानकर चले कि कौन से ब्याज की बात की जा रही है। जब हमको प्रतिशत पढ़ाया जाता है, और आप सब लोग हमसे पढ़े हैं प्रतिशत, तो मुझे पता है प्रतिशत का मतलब ही हो गया कि प्रतिशत का प्रयोग लाभ और हानि में होता है, डिस्काउंट मतलब छूट में होता है। साथ साथ जब उसने हमको इंटरेस्ट लिख ही दिया है, तो मैं तो यही मानकर चलूंगा कि हमसे साधारण ब्याज की भी बात कर रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज की भी बात कर रहा है। पढ़ाने के दौरान इंटरेस्ट का मतलब केवल आपको साधारण ब्याज नहीं पढ़ाया जाएगा, दोनों चीज पढ़ाई जाएगी, इस बात की सिक्योरिटी मान लीजिएगा। यह सब अगर देखा जाए किसी प्रतिशत का, जैसे मैंने कहा आंकिक क्षमता जो थी आपकी, वह सब कुछ इंक्लूड करती थी, जो चार से पांच टॉपिक थे, चाहे वो दशमलव था, चाहे वो भिन्न था, चाहे वह आपका किसी भी प्रकार की संक्रियाएं थी, चाहे वह स्थानीय मान था, हर प्रकार की संक्रियाओं में आंकिक क्षमता अपनी जो है रोल प्ले करती है। उसी प्रकार से अगर हम प्रतिशत की भी बात करें, तो प्रतिशत भी एक प्रकार का ऐसा अप्रोच है जो कि आपका लाभ हानि छूट तथा ब्याज के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब में अपने रोल को प्ले करता है। प्रतिशत को लेकर मैं आपको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दूंगा कि आप जब प्रतिशत पढ़ेंगे तो उससे संबंधित इन सारी चीजों को केवल प्रतिशत के कुछ ही फैक्ट्स को पढ़ लेने से कवर कर पाएंगे, इस बात को आप मानकर चलिए। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, जिसने हमें डिविजिबिलिटी दिया है, अब जब हम लोग यहाँ पर नंबर पढ़ते थे ना, याद करिए अगर जिन्होंने हमसे जो है टेट में पढ़ा था, तो बैन नंबर सिस्टम में ही मैंने आपको डिविजिबिलिटी विभाज्यता पढ़ाया था, लेकिन यहाँ विभाज्यता दो प्रकार की रहेगी। जैसे इसने साथ साथ लिख दिया है गुणनखंड, तो जाहिर सी बात है कि विभाज्यता गुणनखंड पर आधारित होती है, और गुणनखंड भी दो प्रकार से यहाँ पर देखा जाएगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, कंफ्यूज होने की इसमें बात नहीं रहेगी। एक तो नंबर्स पर रहेगी, मतलब संख्याओं पर रहेगी, साथ साथ यहाँ पर अलजेब्रा पर भी गुणनखंड रहेंगे।
तो अलजेब्रा पर जब गुणनखंड होंगे तो एक प्रकार से उस पूरे अलजेब्रा को पढ़ने की वह डिमांड कर दिया है, बीजगणित को पढ़ने की बात कर दिया है। डिविजिबिलिटी विभाज्यता जो होगी वह भी आंकिक क्षमता का ही पार्ट होता है, लेकिन यहां पर लिख करके उसने विभाज्यता लिख दिया है, जिसका मतलब वह आंकिक क्षमता के साथ साथ अलजेब्रा का भी प्रयोग करना चाहता है, बीजगणित का भी प्रयोग करना चाहता है। इसलिए इस परीक्षा को बहुत ही टेढ़ा समझ करके चलिएगा, यह आसान परीक्षा नहीं होती है। इस परीक्षा की तकनीकी पहलू को जाने बगैर अगर हम नॉर्मल बेसिस पर पढ़ाई करते हैं तो हम बहुत अच्छे से इस पे अपना कमांड, अपनी प्रेजेंटेशन नहीं शो कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि इसके बेसिक फैक्ट जो पॉइंट है बीच बीच के उनको डिस्कस करना, उन पहलुओं को निकालना जो इंपॉर्टेंट है, यह हमारे लिए सबसे आवश्यक होगा। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देते जा रहा हूं। आगे देखिएगा, अभी देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक जैसे कि यूनिटरी मेथड। अब एक एक नियम ऐसा पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, जब हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तब भी मैं एक एक नियम अप्लाई कराऊंगा। जब भी किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल किया जाएगा तो मैं तुलना पर आधारित न्यूमेरिकल कराऊंगा, जहां भी तुलना हो गई वहां पर एक एक नियम का प्रयोग किया गया। अब एक एक नियम कोई एडवांस नया टॉपिक नहीं होता, मैं आपको भी बता दूं एक एक नियम एक प्रकार का एप्लीकेशन है, एक प्रकार का प्रयोग है गणित की तमाम सारी प्रक्रियाओं का, तमाम सारी स्थितियों का एनालिसिस करना, जो कि यहाँ पर प्रक्रियाओं के तहत गणितीय संक्रियाओं को आसान कर देती है, गणितीय कैलकुलेशन को इजी कर देती है। इसलिए इसको अलग से पढ़ना भले है, लेकिन प्रयोग मैंने कह रहा हूं हर चैप्टर में लगभग आपको देखने को मिलेगा। जहां पर भी हम तुलना करके करेंगे वहां पर आपका एक एक नियम अप्लाइड होगा, यह बात मान कर चलिए। एक एक नियम के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए अब थोड़ा सा जैसे एडवांस मैथ्स का पार्ट आता है, कहीं एडवांस मैथ आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह मानकर चलिए कि एडवांस मैथ्स के इन विशेष पहलुओं को देखा जा रहा है, जैसे कि एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा सामान्य बीजगणित, बीजगणित के सभी प्रकार के फार्मूले, बीजगणित से संबंधित कुछ विशेष पहलू, जैसे कि दो तीन बातें दिमाग में यहां पर रखना बड़ा ही आवश्यक होगा, जैसे कि समीकरण को पढ़ना। समीकरण में भी आपको अच्छी तरह से पता है कि दो प्रकार के समीकरण हम लोग यहाँ पर खास कर पढ़ेंगे, एक तो रैखिक पढ़ेंगे और दूसरा यहाँ पर द्विघात पढ़ेंगे। रैखिक में भी मैं आपको बता दूं कि दो पदों वाले समीकरणों का यूज किया जाएगा, दो पदों के समीकरण की पूरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण की सारे सिद्धांतों को पढ़ेंगे हम लोग। अलजेब्रा के उस सामान्य संक्रियाएं जिसमें कि हम लोग यहाँ पर उनसे संबंधित जो भी बेसिक फार्मूले होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनसे संबंधित उन सारे फैक्ट्स को पढ़ते हैं, साथ साथ हम समीकरण में जाकर के रैखिक और द्विघात समीकरण की पूरी एनालिसिस करेंगे, तब जाकर के कहीं अलजेब्रा आपका समाप्त हो पाएगा। हालांकि इससे पहले भी अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया कि जब हम आपको वह विभाज्यता पढ़ाएंगे और गुणनखंड पढ़ाएंगे तो गुणनखंड भी देखा जाए तो अलजेब्रा का ही पार्ट होता, मैंने वहां पर भी इस बात को बताया। तो बीजगणित से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, जो भी डिटेल्ड होंगे, वो सब आपके एक एक करके डिस्कस किए जाएंगे। अब देखिए जैसे एडवांस मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए, जो अभी सामान्य प्रक्रिया परीक्षा जैसे बीईओ का एग्जाम हो रहा है, तो वहां बीईओ के एग्जाम में एडवांस नहीं लिखा, लेकिन उसने लिखा है बीजगणित, रेखा गणित, अंकगणित। अब सोचिए वहां पर उसने कहीं क्षेत्रमिति नहीं लिखा है, यहां पर भी क्षेत्रमिति नहीं लिखा है, लेकिन साफ साफ शब्दों में लिख दिया एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल और आयतन। इसका मतलब वह दोनों प्रकार की आकृतियों के ऊपर फोकस करने को हमसे कह रहा है, हमसे 2D की भी बात कर रहा है, हमसे 3D की भी बात कर रहा है। 2D में हम त्रिभुज से लेकर के वृत्त तक, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, वृत्त तक के सभी प्रकार के क्षेत्रफलों के, सभी प्रकार की आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप पर डिस्कशन करेंगे। साथ साथ घन हो कि घनाभ हो, कि बेलन हो, कि कोण हो, कि आपका गोला हो, किसी भी प्रकार के प्रिज्म हो, कि पिरामिड हो, किसी भी प्रकार की ठोस आकृति का हम आयतन, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा उसके सतह, उसकी परिमाप को, उनके जो है विकर्णों की लंबाइयों को, यह पूरा का पूरा हम यह मेंसुरेशन का पार्ट मान करके चल रहे हैं। अगर इसको देखा जाए दिस इज द पार्ट ऑफ मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति का पार्ट होता है। अब यह क्षेत्रमिति ना लिख करके इसने हमें क्षेत्रफल और आयतन लिख करके थोड़ा कंफ्यूज किया। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा केवल क्षेत्रफल आयतन पढ़ने मतलब क्या होता है डिफिनेशन, जबकि क्षेत्रफल आयतन का प्रयोग कहाँ करना है इसको हमें ध्यान में रखना है, किन किन आकृतियों को पढ़ना है। मैं डिटेल आपको जब प्लॉट्स में आऊंगा तो वहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर मैं ज्यादा ना लेना चाहूंगा। अगला पार्ट अगर हम देखेंगे तो आपको देखिए अगर आकर यहाँ पर रखा है इस टॉपिक को, इसमें कितना फैक्ट छुपा है ध्यान दीजिएगा। लिखा है केवल रेशियो, मैं आपको प्रपोर्शन भी अपनी तरफ से लिख दिया हूं, जबकि सिलेबस में केवल रेशियो लिखा है, अनुपात लिखा है। अनुपात लिखने से ही तो समानुपात आता है। कुछ लोग सोचते हैं समानुपात नया चैप्टर है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, नया नहीं है,
अनुपात का ही एक प्रॉपर्टी, अनुपात का ही एक सिद्धांत समानुपात होता है, अनुपात का ही एक एडवांस फॉर्म समानुपात होता है। इस बात को आप दिमाग में रखिए कि अनुपात को ही लेकर के समानुपात जनरेट किया जाता है। अगर हम अनुपात समानुपात को मैथ का एक बेसिक प्रक्रिया माने जिसके थ्रू भी, जैसे प्रतिशत को मानते हैं, अंकिक क्षमता को मानते हैं, उसी प्रकार से अनुपात समानुपात को भी माने, आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे अनुपात का प्रयोग मैं आपको करा के दिखाऊंगा, जहां पे न्यूमेरिकल आपको आसान करने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न होते हैं जो कि नए नए चैप्टर होते हैं, अलग अलग किताबों में आप उनको चैप्टर के तौर पर पढ़ते हैं, जैसे कि एज संबंध, एज रिलेशन, एज रिलेशन मतलब आयु संबंध। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप साझेदारी जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब इसी के पार्ट है। इसको हम लोग यहाँ पर आयु संबंध जो पढ़ेंगे, चाहे हम यहाँ पर साझा पढ़ेंगे, ये दोनों भी इसी आयु, इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है, जबकि लिखा नहीं गया है, लेकिन मानकर चलिएगा कि प्रश्न इसके भी आएंगे और इसके भी आएंगे, और हमारे पास इतना समय है कि हम इन सारी चीजों को कवर करा सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्मेलिटी या कोरम पूरा करने नहीं आया हूं, मैं आपको पूरी चीज की एक डिटेल जानकारी देने आया हूं और पूरी तरह से आपको प्रिपरेशन में आपको इन्वॉल्व करने आया हूं। इसलिए मानकर चलिए कि हम किसी चीज को ऐसा इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं जो चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और नहीं लिखा है, इसलिए हम बचना चाहेंगे, बचना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम उसमें लग करके आपकी सफलता सुनिश्चित करना चाहेंगे। चलिए, यह बात आप समझ पाए होंगे मेरी। एलिमेंट्री ज्यामिति, जाहिर सी बात है अगर एडवांस दिया है आपको, मेंसुरेशन दिया है, तो बिना ज्यामिति को तो देता नहीं। इवन मैं आपको बता दूं, पढ़ाते समय मैं पहले ज्यामिति पढ़ाऊंगा तब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ने के लिए आकृतियों का अध्ययन करना, आकृतियों पर काम करना होता है, और आकृतियों की सही जानकारी आपको ज्यामिति से हो पाएगी। इसलिए पहले हम ज्यामिति डिस्कस करेंगे, इसके बाद तब जाकर के हम कहीं ना कहीं आपका जो है मेंसुरेशन डिस्कस करेंगे। ज्यामिति में भी आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि आप शुरुआत करेंगे बिंदु से, जहां पर ज्यामिति की शुरुआत होती है बिंदु से करेंगे, रेखा से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ज्यामिति के अंतर्गत सामान्य प्रकार की आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। आकृतियों को बनाने के लिए तीन बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, बिंदु, रेखा और कोण। कोई भी आकृति बनेगी इन तीनों की मदद से बनेगी। कहीं स्पॉट रख दिया, बिंदु हो गया, बिंदु से बिंदु को मिलाया, रेखा हो गया, रेखा को रेखा से ज्वाइन किया, कोण हो गया। इन तीनों को उठा के कहीं मर्ज कर दिया तो एक फिगर जनरेट हुआ, जिसको हम आकृति कहेंगे। आकृतियों का पूरा क्लासिफिकेशन बहुभुज के साथ साथ, मतलब पॉलीगंस के साथ साथ आप कंप्लीट रूप में पढ़ेंगे। यह 20 प्रश्न, निर्णायक प्रश्न जो आपको इतने सिलेबस से लेना है, वह उसकी एक सही सटीक तैयारी हम लोग यहाँ पर करेंगे, इस बात की मैं श्योरिटी देना चाहता हूँ। अब आप हमसे आज जुड़े हैं तो मेरा बस उद्देश्य इतना नहीं कि हम सिलेबस बताकर हट जाए, हम आपको कुछ ऐसी चीजें भी समझाने की कोशिश करें जो पार्ट आपके लिए अनिवार्य है, जो आपकी परीक्षा में आता है, उन सारी बातों को लेकर के हम यहाँ पर इस सेशन को आज फिनिश करेंगे। मैं यहाँ पर आंकिक क्षमता का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आज स्क्वायर के बारे में, क्योंकि यह आंकिक क्षमता का बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसको हम वर्ग कहेंगे। हालांकि मैं एक और लाइव सेशन के माध्यम से वर्ग अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वर्गमूल भी आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको टेक्निकल मेथड से, कुछ ट्रिकी मेथड से मैं आपको वर्गमूल भी सिखा सकूं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा वर्ग समझाऊंगा, वर्ग का पैटर्न, कैसे हम लोग किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल संख्याओं के वर्ग को इजी कर सके और फिर बाद में हम उसका वर्गमूल भी ज्ञात कर सके। स्क्वायर मतलब हम वर्ग पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा किसी भी संख्या की पावर 2 लगा दिया तो संख्या 2 बार गुणा होती है। जैसे हम आपको ऐसे समझा रहे, कोई संख्या ले लिया, संख्या के लिए हमने कहा कि इसका वर्ग करिए, तो संख्या के ऊपर लग गया पावर 2, इसका मतलब है संख्या अपने आप को 2 बार करी है गुणा, तो बन गया संख्या का वर्ग। संख्या का यहाँ पर वर्ग हो गया, कोई संख्या लिखा, मैंने उसके ऊपर पावर 2 लगा दिया, इस प्रकार से संख्या का वर्ग हो गया। मैंने कहा 5 की पावर 2 है, तो आप समझ गए होंगे 5 × 5 है, मतलब यहाँ पर 25 है। जो भी संख्या है अगर किसी के ऊपर पावर 2 लगा दे तो उसका वर्ग हो जाता है। कुछ सामान्य प्रकार के वर्ग और उनके टेक्निकल अप्रोच को मैं आज की इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट करना चाहूंगा। जैसे शुरुआत में करूंगा, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो एक प्रकार की जो है यहाँ पर रीडिंग होती है, और रीडिंग कैसे होती है मैं आपको दिखा दूं। शुरुआत में कुछ चीजों के वर्ग तो बेसिक तौर पर हमको याद ही रहने चाहिए। जैसे मैं कह दूं शून्य का वर्ग, आप कहेंगे सर 0। मैं कह दूं 1 का वर्ग, आप कहेंगे 1। 2 का वर्ग, आप कहेंगे सर 4। मैं कहूंगा 3 का वर्ग, आप कहोगे 9। 4 का वर्ग, आप कहेंगे 16। मैं कहूंगा 5 का वर्ग, आप कहेंगे 25। मैं कहता हूं 6 का वर्ग, आप कह दीजिए 36। इसी प्रकार से अगर हम 7 का करें तो आप कहेंगे 49। अगर हम लोग यहाँ पर 8 का करें तो आप कहेंगे 64। अगर हम 9 का करते हैं 81।
अगर हम 10 का करते हैं तो 100, ऐसे ही 11 का करेंगे 121, 12 का करेंगे 144, और यह प्रक्रिया आपकी बढ़ती चली जाएगी। अभी कुछ लोग बोलते हैं 20 के आसपास तक बोलते चले जाते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे आवाज क्लास में डाउन होनी शुरू हो जाती जैसे संख्याएं बड़ी होती है। मतलब कुछ बेसिक चीजें हमें एटलीस्ट 9 तक तो तैयार ही है किसी भी हालत में, लेकिन मैं तो प्रयास करता हूँ 50 तक के वर्ग आपके दिमाग में रहे हमेशा। इसके बाद की चीजें आप अपने आप से कैलकुलेट और रिलेट कर सकेंगे, इस बात की श्योरिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके चीजों को, और आप लोग उसको एक्सेप्ट करिएगा कि हाँ ये मुझे समझ में आ रही बातें। आप ध्यान दीजिएगा एक बात को, अब जैसे मान लीजिए संख्याएं हमको 2 पदों की दी गई, अब धीरे धीरे जैसे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18, 19, 20, 21, 22, अब इसी तरह से संख्याएं बढ़ती चली गई तो समस्या हमारे सामने बढ़ती चली गई और हम कंफ्यूज होते चले जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर 2 पदों की संख्याओं के गुणनफल मतलब वर्ग को ज्ञात करने के लिए पैटर्न की बात करने जा रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा, आप सब अलजेब्रा का एक रूल अप्लाई करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या हम सिंपल सा लिख दें x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जनरल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम इसी चीज को कुछ ऐसे ना लिख करके हम इस प्रकार से लिखे, मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा, सब लोग गौर करिएगा, मैं लिख रहा हूँ x, अब इस प्लस को मैं प्लस हटा करके ऑब्लिक कर दूं और y का होल स्क्वायर लिखूं, और मैं लिख दूं x स्क्वायर ऑब्लिक यहाँ पर 2xy बीच में मैं कर दूं ऑब्लिक y स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं है। सामान्य तौर पर हम लोग यहाँ पर फार्मूलो को ऐसे ही प्रयोग में करते हैं, पहले x स्क्वायर ऑब्लिक 2xy ऑब्लिक y स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। अब हम कोई भी संख्या जैसे उठा ले, 2 डिजिट की संख्या जैसे हमारे पास मान लीजिए 12 है, मैं सामने इसको देख रहा हूं, अब धीरे धीरे हम ऐसे और ही संख्याओं का प्रयोग करता जाऊंगा। जैसे मैंने कहा 12 है, 12 को हम 2 पदों में कर लें, 2 पदों में करेंगे तो पहला पद मान लीजिए x हो गया, दूसरा पद आपका मान लीजिए y हो गया। फार्मूले के आधार पर सबसे पहले लिखा x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू 1 इंटू 2, आप ध्यान दीजिएगा 2 इंटू x इंटू y और 2 का वर्ग। अब आप समझिए, लिखते चले जाइए सिंपली 144, मतलब आप पैटर्न लिख दीजिए प्रॉपरली 144, यह इस संख्या का वर्ग हो गया। अब धीरे धीरे इसमें कुछ टेक्निकलिटीज है, मैं आपको एक एक करके समझाते जा रहा हूं, आप लोग ध्यान देते जाइएगा। चलिए 12 के बाद जैसे अभी मान लीजिए हमको मिल गया 23, अब 23 का अगर मुझे वर्ग करना है तो जाहिर सी बात हम इसको फिर ऐसे इसी हिसाब से करेंगे, जो हमने फार्मूला लिखा उस फार्मूले के आधार पर इसको आप x या a माने और इसको आप y माने, और बार बार मैं इस चीज को लिखूंगा नहीं, आप समझते जाइएगा। आप लिखोगे 2 का वर्ग ऑब्लिक 2 इंटू 2 इंटू 3 ऑब्लिक 3 का वर्ग, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर 2 गुणे 2 4 3 12 होगा, और यहाँ पर होगा 9। अब आपको जब लिखना पड़ेगा इसको, तो लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अंतिम से अगर मुझे लिखना है, और अंतिम से ही लिखा जाता है, तो आप सबसे पहले इंड 9 लिखेंगे, और इसमें से केवल इकाई का पद 2 लिखेंगे, एक को इधर कैरी बना के जोड़ देंगे तो 529 हो जाएगा। इस प्रश्न का मान मतलब यहाँ पर 23 का वर्ग आपका 529 हो गया। मान लीजिए मुझे किसी ने कहा 46 है, इसका वर्ग बताएं क्या होगा, हमने इसको भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, 4 का वर्ग मैंने 16 लिखा, 2 गुणे 4 गुणे 6 लिखा मैंने, और 6 का वर्ग मैंने 36 लिखा। अब आप समझते जाना एक एक करके, या 16 हो गया, 2 चौके 8 6 48 होता है, 2 चौके 8 6 48 होता है, और 36 यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात है यहाँ पर हमारे सामने है, हम यहाँ पर देखिए सबसे इंड डिजिट 6 लिखेंगे, यहाँ पर 3 को इसमें जोड़ा 51 कैरी 1 लिख, 51 का 1 कैरी 5 लिखेंगे, और 16 को 5 से गुणा कर जोड़ देंगे, 16 5 21 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 2116 हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ने का मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टेक्निकलिटी हमारे सामने बढ़ती चली जाएगी, और उस टेक्निकलिटी को मैं धीरे धीरे दूर भी कर दूंगा। पहले आप समझिए कि फार्मूला कहाँ तक कारगर है, फार्मूला यहाँ तक कारगर है। जैसे मैं लिखूं 87 में लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा 64, 2 गुणे 8 मतलब 16 सत्ते 112 लिखा मैंने, और 7 गुणे 7 49 लिखा मैंने, यहाँ पर 9 लिखा इसके साथ जोड़ दिया तो 116 मतलब 6 कैरी 11 लिखा, 11 इसमें जोड़ा तो 64 10 74 1 75 हो गया, 7559 हो गया, 69 हो गया, या इस प्रश्न का मान हो गया, इसका वर्ग हो गया। ऐसे जैसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाते जाएंगे आपको समस्याएं मिलती चली जाएंगी। अब मान लीजिए आपसे कोई कहे 92 का वर्ग कर दीजिए, अब आप जैसे ही 92 का वर्ग करने जाओगे तो आपको पता है 9 9 81 होता है, 2 2 4 9 36 होता है, और यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होता है, आप 4 लिखेंगे यहाँ 6 लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 81 3 84 हो जाएगा, 84 164 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पर वर्ग कर सकते हैं 2 पदों की संख्याओं का, 2 अंकों की संख्याओं का। बट कंफ्यूजन की बातें हैं कि अब संख्याएं धीरे धीरे 3 डिजिट में भी आएंगी, और इसमें भी कुछ एडवांस चीजें हमारे सामने मिलेगी। जैसे
मान लीजिए अभी मुझे मिल गया 75 और मुझसे किसी ने कहा इसका वर्क करिए सर 75 का, मेरे पास वह नियम है जो मैं नियम अभी अप्लाई करा रहा था। अब आप ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने के दौरान मैंने यहाँ पर देखा कि हम जो नियम जानते हैं उसके आधार पर यहाँ पर 49 होगा, 2 × 7 = 14, 5 × 70 होगा और 5 × 25 होगा। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 2 ले जाएंगे, इसको जोड़ा इसमें 7, इसमें जोड़ दिया 49 में 7 अगर जोड़ देंगे 56 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 5625। बट यही चीज को मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ और उसको मैं एक हेडिंग करा दूंगा आप लोग को, आप लोग समझिएगा। यहां पर मैं लिखूंगा जब किसी संख्या के अंत में 5 आए, जब किसी संख्या के अंत में अगर 5 आए तो देखिए नियम क्या बनेगा। 5 आने के दौरान संख्याएं आपकी 15 हो सकती हैं, संख्याएं आपकी 25 हो सकती हैं, संख्याएं आपकी 35 हो सकती हैं, संख्याएं आपकी 45 हो सकती हैं, संख्याएं आपकी 55 हो सकती हैं, जो भी आप संख्या लेंगे जिसके एंड में यहाँ पर आप 5 देख पा रहे हैं, और उधर आप 75 जो भी हमने साल किया उसको ले सकते हैं, आप 85 ले सकते हैं, आप 95 ले सकते हैं। आप किसी भी इस प्रकार की संख्या का अगर वर्क करिएगा, देखिए आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत इजीली आप ऐसे प्रकार की संख्याओं को वर्क कर पाएंगे। मेरी बात को समझते जाइए, जब भी किसी संख्या के अंत में 5 आए तो नियम फॉलो करिए, आप एंड में हमेशा 25 पाएंगे, एंड में हमेशा 25 पाएंगे, और इसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर अंत में क्या है 5 है। इसके बाद आप देखिए आपके पास क्या है, 1 है। आपके पास अगर 1 है तो 1 के आगे की गिनती क्या होती है, गणित में 1 के आगे गिनती 2 होती है, 2 × 1 कर दीजिए तो मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, 225 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ पर अगर आप गए तो मेरे सामने 5 है, यहाँ पर भी दिख रहा हूं मैं 5 है तो 25 लिख दिया, 2 के बाद गणित में 3 आता है तो 2 × 3 कर दीजिए 6 हो गया। ऐसे यहाँ पर भी अगर हम चले तो आप सब उत्तर भी दे सकते हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर समझ रहे हैं उसको आप कमेंट में बता भी सकते हैं। यहाँ 25, 3 के बाद 4 आता है, 3 × 12, यहाँ पर भी 25, 4 के बाद 1 आता है, 5 × 5 = 20, यहाँ भी 25, 5 के बाद 6 आता है, 5 × 6 = 30, यहाँ भी 25, 6 के बाद 7 आता है, 6 × 7 = 42, यहाँ भी 25, 7 के बाद 8 आता है, यहाँ पे 56 जो यहाँ पर मैंने कर रखा था, यहाँ पर भी 25, 8 के बाद 9 आता है 72, यहाँ पर भी 25, 9 के बाद 10 आता है 90। आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी संख्या के अंत में 5 आएगा, इंड में हमेशा 25 आएगा, बाकी जो मेरे पास बचे पद रहते हैं स्टार्टिंग में जो पद रहते हैं उसके बाद वाली गिनती के साथ उसका गुणा करके उसको हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह से हम चल करके उन संख्याओं को वर्क कर सकते हैं जिसके अंत में क्या आता है 5 आता है। चलिए अभी धीरे धीरे संख्या मैंने जैसे भी स्टार्टिंग में भी 92 पर जाकर किया, 98 अगर मुझे मिल जाए तो हम इन जो 2 पदों का नियम है जो हमारे पास यहाँ पर a+b या x+y के होल स्क्वायर का फार्मूला है, यह हम बहुत देर तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं कुछ और सिस्टम आपको बताता हूँ, वह सिस्टम कुछ इस प्रकार से है। कंडीशन एक मैं यहाँ पर फिर से आपको दूंगा, कंडीशन यह है कि जो संख्या है, मैं यहाँ पर लिखूंगा जब संख्या जो है वह संख्या 100 के नजदीक हो, 100 के नजदीक हो और 100 से कम हो, 100 से कम हो। देखिए 100 से नजदीक हो, 100 से कम है, जैसे मैंने 92 को किया, मैं 98 को करूं, मैं 96 को करूं, तो आप हमेशा फार्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते, या कर भी पाएंगे तो आपके लिए बड़े कंफ्यूजन की बात रहेगी, बहुत आसान नहीं रहेगा कि आप फार्मूले का प्रयोग कर पाए। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम 92 का वर्ग करते हैं, सपोज करिए मैंने देखा संख्या 100 से कम है, फिलहाल हम उसको भी छोड़ दें, पहले अपने नियम की बात करें, जो हम नियम को अभी तक अप्लाई करने का तरीका आपको बताते आए। मैंने कहा इसको 2 पदों में आप ब्रेक कर सकते थे, ब्रेक करते तो बताइए यहाँ पर कितना होता, यहाँ पर आपके सामने 9 × 9 = 81 होता, 2 × 4 × 9 = 36 होता और 2 × 4 होता, 4 लिखे हम लोग यहाँ पर एंड में, यहाँ पर हमारे सामने 6 है तो 6 लिखेंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे, 81 × 3 = 84 हो जाएगा, तो मान यहाँ पर 8464 हो जाएगा। चलिए अब इसी चीज को जो मैंने आपको एक पैटर्न दे दिया कि हमने कहा संख्या मेरी 100 के नजदीक है, अगर मैंने शुरू में भी आपको बताया कि अगर हम 50 तक के वर्ग याद कर ले तो संख्या जो 100 के नजदीक होगी वह 50 तक आप कवर कर सकते हैं पीछे की तरफ, और आगे भी आप 50 तक कवर कर सकते हैं, मतलब 150 तक कर सकते हैं, उसके बाद 200 का नियम, 300 का नियम, हर प्रकार के नियम के तहत आप जाकर के जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे परीक्षाओं में, अब डायरेक्ट मिलेंगे मैं आपको भी बताऊंगा, मैं वो जैसे जैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको इसी आज सेशन में कंप्लीट करके दिखाऊंगा। देखिए अब इसी 92 को अगर मुझे इस प्रकार से कुछ करना होता, देखिए 92 से पहले मैं थोड़ा सा एक दो और संख्याएं लूंगा, जैसे एकदम से क्लोज संख्याओं से शुरू करता हूं, मैंने जैसा सपोज करिए 98 लिया, 98 का वर्ग मुझे करना था, मुझे पता है 100 से कम है, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, 100 से कम है और आप मुझे बताइए 100 से कितना कम है, आप कहोगे सर 2 कम है, 100 से 2 कम है
जितना कम है उतना ही और कम कर दें तो हो जाएगा 96। आप समझिए 100 से 2 कम थी तो 2 और कम कर दिया, जितना कम है उतना ही और कम कर देंगे 96 और 2 का कर देंगे वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या होता है बताएं, 4 होगा, तो 96 04। इसी तरह से मैंने कहा यहां पर मेरे सामने अगर सपोज करिए 96 है, तो 96 100 से कम है, कितना कम है 4 कम है, 4 ही और कम कर दीजिए तो 4 कम करेंगे तो 92 और 4 का वर्ग करेंगे 16। याद रखना है यहाँ पर जो अंतिम का जो वर्ग होता है वह दो पदों में लिखना है। अब जैसे देखिए शुरू में मैंने कहा था कि अगर 2 कम था तो 2 कम किया 96, 2 का वर्ग होता था 4, कोई सोचे कि सर हम 96 और 4 लिख दे तो नहीं, आपको 2 अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखेंगे तो 96 04 होगा। ऐसे जैसे मैंने उसको लिया है उसको भी ले लीजिए आप 92, अब आप मुझे बताएं 92 कितना कम है, आप कहोगे सर 8 कम। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी होती है, जैसे हम लोग सोचे 92 में से अगर हम 8 कम है ऑलरेडी तो 8 और निकाले, एक प्रकार से हम 100 में से 16 निकाल रहे हैं, 100 रुपए अगर हम किसी दुकानदार को दें और 16 रुपए का सामान ले तो यह मेरी जिम्मेदारी होती है, दुकानदार मुझे कितने पैसे रिटर्न करेगा, तो आप समझ गए होंगे दुकानदार मुझे 84 रुपए रिटर्न करेगा, और क्योंकि 8 कम था तो 8 का वर्ग क्या होता है 64। देख लीजिए यही चीज तो यहाँ पर आया था, यही चीज यहाँ पर आया था, यही 92 की जगह पर 91 होता, 100 से कम था 9 और कम करा मतलब 100 में से 18 कम हुआ तो मान हो जाएगा 82 और 9 का वर्ग होता है 81 या इसका मान हो जाएगा। धीरे धीरे और पीछे जाइए, जैसे हम पहुंच गए 88 पर, अब आप मुझे सोचकर बताएं कि 88 100 से कितना कम है, आप कहोगे सर 12 कम, कितना कम है 12 कम, 12 और कम करेंगे तो जाहिर सी बात 12 12 24 मतलब बचेगा 76, कितना होगा 76। लेकिन आप जितना कम था वो कम क्या था 12, तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब ये थोड़ी सी और कंफ्यूजन की बात आई, कंफ्यूजन की यह बात आई कि जब हमारे पास वर्ग करने पर एक डिजिट बना था तो मैंने उसको 2 डिजिट बनाने के लिए शून्य लगाया था, लेकिन वर्ग करने पर अगर 3 डिजिट बन जाए तो आप 2 डिजिट लेकर के इसको कैरी बना देंगे तो आपका मान यह हो जाएगा 77 44, कितना हो जाएगा 77 44, तो 77 44 आपका मान हो गया। ऐसे ही मैंने कहा यहां पर मेरे सामने 82 है, ध्यान दीजिएगा सब लोग 82, अब आपको पता है कि 8200 से कितना कम है, आप कहोगे सर 8200 से 18 कम है, 18 अगर हम 100 से निकाल दें, 18 और 18 मिलके 36, तो 36 निकालते ही मान हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, 36 निकालते ही मान हो गया 64। और आपको मैं बता दूं 18 का वर्ग होता है 324, ये सब वर्ग अगर आपको पता है तो ही जाकर के आप बेहतर रिस्पॉन्स कर पाएंगे, आप अंत का 24 लेंगे 3 इसमें कैरी जोड़ेंगे तो आपका मान हो जाएगा 67 24, कितना हो जाएगा 67 24, इस संख्या का वर्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं अभी तक उन संख्याओं की बात कर रहा था जो संख्याएं 100 से कम थी तथा 100 के नजदीक थी, अब धीरे धीरे यह प्रकार की स्थिति और आगे बढ़ेगी और मुझे ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 100 से ज्यादा होंगी और 100 के नजदीक होंगी, तो उन संख्याओं को भी फेस करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं उनको भी आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इनकेस 102 मिल गया होता, 102 मिल गया होता और मेरे पास वही फार्मूला होता जो फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो उसको यहां पर भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे वह अप्लाई करने की तकनीक आपकी कमजोर होती चली जाएगी, तो मैं उसी को इम्प्रूव कराऊंगा आपको धीरे धीरे नियमों के आधार पर। सबसे पहले उस नियम से भी देख लीजिए जो हमने यहाँ पर उसको बताया था, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इसको हम 2 टुकड़ों में अगर ब्रेक करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो 102 इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, या तो मैं 102 ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, दो प्रकार से, मतलब एक बार मैं अंत में केवल एक डिजिट लेकर, एक बार अंत में 2 डिजिट लेकर हम संख्याओं को 2 रूपों में यहां पर ब्रेक कर सकते हैं। अब आप समझने की सब लोग कोशिश करिएगा, यहां पर अगर हम इसको एक संख्या ए माने तो 10 का वर्ग होता है 100, 2 × 10 × 2 = 20 हो जाएगा और 2 का वर्ग होगा 4। अब देखिए ध्यान से, जब अंतिम में है एक डिजिट तो इंड से एक एक डिजिट लेकर चलेंगे, तो आप लिखोगे सबसे पहले 4, यहां लिखोगे 0 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102। चलिए अगर अब यहां पर देखिए इंड में 2 डिजिट रखा है, आपने इसको ए माना है, इसको आपने बी माना है, दोनों तो यहां पर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 × 1 × 2 तो 2 × 2 = 4 होता है और 2 का वर्ग होता है 4। अब आप ध्यान दीजिए, जब इंड में है 2 डिजिट, जब इंड में है 2 डिजिट तो आपको क्या करना है, जब इंड में हमारे सामने क्या हो, यहां पर 2 डिजिट हो तो आपको जो है ध्यान देना है कि एक सेकेंड यहां थोड़ी सी जो है, तो ए 40 होता आपका, 40 होता जिसका मतलब यहां पर आपका 4 होता, 104 04 होता, ठीक है, जैसे 2 × 10 करते तो 20 20 × 40 होता, तो सही माना जाता। अब देखिए ध्यान से यहां पर मेरी बात को गौर करिएगा, मैंने यहां पर आपसे कहा कि जैसे यहां पर 1 है, यहां पर 2 × 1 × 2 = 4, यहां पर 2 का वर्ग 4, जब इंड में है 2 डिजिट तो अंतिम से मुझे 2 2 डिजिट लेके चलना है,
और दो दो डिजिट जब आप लेकर चलेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले चार है तो दो डिजिट बनाने के लिए इसको हम 04 लिख सकते हैं, 04 लिख सकते हैं। यहाँ भी इसको भी दो डिजिट बनाने के लिए 04 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब मेरे पास कुछ मतलब आगे की रिक्वायरमेंट ही नहीं तो आप सिंपली उत्तर लिख सकते हैं 1404। देखिए दोनों का मैच कर गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों नियमों में अपनी अपने को इन्वॉल्व ना करें, अपने को ना फंसाएं। तो ना फंसाएं तो हम इसको कैसे मैनेज कर पाए, मैं वही बातें आपको बताऊंगा। मैंने कहा जब संख्या, ध्यान दीजिएगा नियम में, जब संख्या 100 से अधिक, 100 से अधिक तथा तथा 100 के नजदीक, 100 के नजदीक हो, 100 से अधिक तथा 100 के नजदीक हो। संख्या हमारी 100 से अधिक है और 100 के नजदीक है। ध्यान दीजिएगा क्या बातें यहां पर बनकर आएंगी। जैसे मैंने अभी 102 को लिया था, मैं आपको दिखाता हूं 102 है। आप क्या करेंगे बताएं, आप यहां पर 102 पे अगर आप आ रहे हो तो आप सिंपल सी बात है 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जैसे हम कम के दौरान कम किए थे तो उसी तरह से ज्यादा के दौरान ज्यादा करेंगे तो 104 होगा। जितना ज्यादा उतना ही और ज्यादा, 2 ज्यादा था, 2 का वर्ग भी कर दीजिए तो 04 हो जाएगा। दो डिजिट में लिखना पड़ेगा। 100 अगर मान लीजिए मेरे सामने 8 होता तो मैं कहूंगा भैया 8 ज्यादा तो 8 और बढ़ाएं, 116, 8 का वर्ग 64। मैं कहूंगा 113 है, 113 है तो 13 और ज्यादा करिए 126, 13 का वर्ग 169। थोड़ा सा इतनी आसानी से नहीं लिख सकते, जैसे मैंने उसमें बताया था तीन डिजिट में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी दशा में एक आपका कैरी बनेगा, 127 और 69 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम पहुंचे 117, 17 और बढ़ाइए 134, 17 का वर्ग 289। अब आप ध्यान दीजिए इस 89 को लीजिए, 2 इसमें जोड़ दीजिए, 136 हो गया और 89। इसी तरह से आप कुछ भी लिखिए, जैसे हमने कहा 123 का वर्ग है, 123 का वर्ग है। आप समझते जाइए जितनी भी चीजें आप प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे उतना ही बेहतर आप रिस्पॉन्स कर पाएंगे, इस बात को समझ कर चलिएगा। आपने कहा 123 का वर्ग है, जो भी आप संख्या लीजिए, अगर 123 की जगह 122 लिख दें, 124 लिख दें, 148 लिख दें, जहां तक के वर्ग आपको तैयार है वहां तक आप कर पाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा 122 है, थोड़ा सा मैंने दूसरे टाइप की संख्या ली। अब आपको पता है 144 लिखेंगे और 22 का वर्ग 484 होता है, 484 अंतिम का दो डिजिट, यहाँ पर 4 जोड़ दीजिए तो 148 हो गया और यहाँ पर 84, तो आप समझते जाएंगे। इसी तरह से अगर 123 लेते तो वहां पर 529 हो जाता, आप वहां का अंतिम का दो डिजिट लेते, ला करके जोड़ देते। हर प्रकार की संख्या को आप लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, जो 100 के कम है, 100 से ज्यादा है। मैं कुछ पैटर्न आपकी परीक्षाओं में आए गए प्रश्नों पर आधारित लूंगा। मैंने कहा ध्यान दीजिएगा 100,000, 10,000 से कम तथा अधिक। देखिए हम ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब अगर मान लीजिए हम पहले कम का लें, चलिए हम सबसे पहले कम तथा अधिक की बात करें, तो सबसे पहले कम की बात करें। कभी एक प्रश्न आपके यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 99 था, 99 कवर किया जाए। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर हम 9 से 99 कवर करें, ऐसे मैं कह दूं कि 9999 कवर करें। अब देखिए आपने इसको 100 का आधार बना के लिया, इसको 1000 का बना के लिया, इसको 1000 का बना, 10000 का बना लिया, एक कम का ले लिया मैंने। अभी पहले हम कम का सॉल्व कर लेते, फिर मैं ज्यादा की बात करता हूं। चलिए आपको पता है कि कम के लिए तरीका क्या है, आपकी परीक्षा में जैसे सीक्वेंस दे देता है कि अगर इसका मान इतना है तो इसका मान कितना होगा, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। 99 कवर के लिए आपको पता है 100 से एक कम है तो एक और कम कर दीजिए तो 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और एक कवर करेंगे तो 01 हो जाएगा। चलिए हो गया। अगर हम इसकी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा 1000 से एक कम है तो एक और कम करिए तो 998 हो जाएगा, और यहां पर एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होता है बट इसको 001 लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें एक अंकों के बाद लिखा था, इसमें एक और अंक के बाद आपको लिखना पड़ेगा। इसकी बात अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पर 9998 होगा और यहाँ पर 30 और 1 लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना, ऐसे जैसे देखिए 100 था यहाँ पर आधार, तो 100 था इसको दो डिजिट में लिखा था, 1000 था यहाँ पर इसको तीन डिजिट में लिखा था, 10000 यहाँ पर आधार था तो आपने इसको चार डिजिट में लिखा था मान। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे दिया होता 94, खूब ध्यान दीजिए आप सब लोग तो प्रॉपर समझ पाएंगे, यहाँ 994 होता, यहाँ 994 होता, यहाँ 9994 होता। आप आगे भी बढ़ सकते थे, ऐसा नहीं कि आप 10000 की बात की, आप लाख पर भी जा सकते थे। अब आपको अच्छी तरह से पता है इसका पैटर्न क्या होता है या तरीका क्या है। चार यहाँ पर देख रहे हैं, 6 कम है तो 6 और कम करेंगे तो 12 मतलब यहाँ पर 88 पहुंच गए, और 6 कवर कितना होता है 36। मैंने देखा 9400 से 6 कम था, 6 कम था तो 6 और कम कर दिया तो पहुंच गए मतलब 88, और 6 कवर करेंगे तो 36।
ये हो गया। अब जैसे इसकी बात हम करेंगे तो आपको बता दूं मैं 888 होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहां पर भी देख रहे हैं 6 कम है तो 6 और कम करेंगे तो 888 हो जाए, सॉरी 988 हो जाएगा मेरे सामने। यहां पर अगर हम बात करेंगे जैसे 994 से अगर हम लोग निकालते हैं, आपको स्पष्ट कर दूं यहां पर क्या स्थिति हमारे सामने बनकर आएगी, तो आप अगर जैसे 994 में से अगर हम लोग यहां पर 12 निकालते तो 988 हो जाएगा। 988 और 36 को मुझे लिखना है, तो जैसे अभी यहां पर ये दोनों अंक हमें मिल गए थे, यहां पर एक अंक मिलेगा 9036 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें अगर हम जाएं तो 9988 होगा और यहाँ पे 2 बार 0 3 6 लिख देना पड़ेगा। इस प्रकार से हम चल करके पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं। जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उस तरह के प्रश्नों को लेकर के पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो भी चीजें आपके पास दी जा रही हैं एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही होंगी कैसे कैसे किया गया। मैंने जैसे बताया इसमें जैसे आपने देखा कि आपने यहाँ पर देखा 6 कम था, 6 और कम किया तो पहुंच गया 88, 6 का वर्ग किया 36, हमने 36 को साफ साफ कैंसिल कर दिया, 2 डिजिट की संख्या थी। यहाँ पर भी आपने देखा 994 था, 6 कम था 1000 से 6 और कम कर दिया 988 हो गया। 6 का वर्ग 36 होता तो आप उसको 3 डिजिट में लिखेंगे, 3 डिजिट में लिखने का पैटर्न आप 036 लिख दीजिए। 10000 से 9994 6 कम था, 6 और कम किया 9988 हो गया। 36 को लिखना था 4 डिजिट में 2 जीरो बढ़ा के आपने लिख दिया। जैसे मैंने ज्यादा का लिखा उसी प्रकार से आप कम का लिखा उसी प्रकार से आप ज्यादा का भी लिख सकते हैं। एक हम ज्यादा का भी कर देते हैं जिससे कि और चीजें आपको पैटर्न क्लियर हो जाए। ज्यादा की बात अगर हम करें तो ज्यादा में जैसे मैंने कहा 100 मान लीजिए 3 का वर्ग है, मैं 103 का वर्ग ले रहा हूं, 1003 का वर्ग लू, मैं 10003 का वर्ग लू, 10003 का वर्ग लू। देखिए लिखने का सिस्टम समझने की कोशिश करिए आप सब लोग कैसे लिखा जाएगा। आपको पता है कि 100 से या 100 को आधार दे रहा है या 1000 को दे रहा है या आपका 10000 का दे रहा है, ठीक है 10000 का दे रहा है। समझिए 100 से 3 ज्यादा है, 3 और बढ़ाएंगे 100 आपका 3 बढ़ाते 106 हो जाएगा, 3 का वर्ग 09 हो जाएगा। इसी तरह से 3 इसमें बढ़ाएंगे तो 1006 हो जाएगा और आपका 3 × 3 9 होता है तो 009 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 10006 हो जाएगा और 3 बार 0 तब 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि 107 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब 7 ज्यादा है तो 114 पहले लिखिए, 7 ज्यादा तो 114 लिखिए, 7 का वर्ग 49 होता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अगर हम 1007 का वर्ग कर दें, 1007 का वर्ग करें तो 1014 होगा और 7 का वर्ग 49 है, 2 डिजिट में लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 डिजिट में लिखेंगे 049 हो जाएगा। यही मेरे पास अगर 10007 होता तो देखिए कैसे लिखा जाता, यहाँ पर 10014 होता, 10007 ज्यादा करते 10014 होता, 7 × 49 00 आपके पास 049 होता। इस तरह से हम पैटर्न का प्रयोग कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की ऐसी प्रक्रियाओं को आप फेस कर सकते हैं। अभी देखिए यह कंप्लीट वर्ग नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं क्योंकि लेकिन क्लास भी लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इसी क्लास के माध्यम इतने पे ही आपको आज की क्लास में रोक दूंगा। संक्रियाओं में जो अंगड़ती संक्रियाएं हैं इसमें अभी वर्ग के पैटर्न और वर्गमूल आपका जो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वर्ग अच्छे से हम पढ़ पाए हैं। मैं चाहूंगा कि आपको जितना कुछ पढ़ाया गया इसको आप लोग अपने हिसाब से रिवाइज करिए और मुझे काफी हद तक आप चीजें समझ पाए होंगे, इस बात की मुझे श्योरिटी। तो हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे के पैटर्न मतलब वर्गमूल पर डिस्कशन करेंगे। कुछ और बातें आपको वर्ग से संबंधित जैसे दशमलव की संख्याओं का प्रयोग करना हम आपको सिखाएंगे। तो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी और स्पष्ट कर पाए होंगे आप सारी बातों को। पूरी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर वर्गमूल डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद।